नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र, आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर कोई घटना हो जाती है और उसकी कंप्लेंट या एफआईआर लिखवाने के लिए थाने जाते हैं और वहां पे कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, या फिर कोई एफआईआर उसकी मतलब कॉपी लेना चाहते हैं और वो थाने से नहीं मिल रही है, या फिर कोई आरोपी पक्षर वो एफआईआर की कॉपी लेना चाहता है थाने से और वो नहीं मिल रही है, तो कैसे एफआईआर की कॉपी और कहाँ से मतलब बिल्कुल आसान तरीके से एफआईआर की कॉपी ले सकते हैं, या फिर कैसे कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं वो भी आसान तरीके से। तो दोस्तों इन सभी प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप ना कीजिए और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के और मतलब साथ में घंटी को जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास में पहुँच जाएँ। इस वीडियो को लाइक करें, कोई बात पूछनी हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों करना क्या होगा, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट में मतलब वकील के माध्यम से और एफआईआर की कॉपी प्राप्त करने के लिए वहाँ पे अप्लाई करवाना पड़ेगा। तो वकील वहाँ पे क्या करेंगे, आपकी मतलब ये पूरी प्रक्रिया वहाँ पे कर देंगे, आपकी फ़ोटो लेंगे, आपके सिग्नेचर वगैरह करवाएंगे और जो भी एफिडेविट है उसमें मतलब लिखवाएंगे और जो भी प्रक्रिया है वो सारी वहाँ पे कर देंगे, आपकी आईडी वगैरह लेके और मतलब कोर्ट में वहाँ पे अप्लाई कर देंगे आपकी एफआईआर की कॉपी थाने से लेने के लिए। तो फिर कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, थाने से जो आख्या है वो तलब की जाएगी, आख्या तलब की जाएगी थाने से कि ये फलाना फलाना नाम के जो ये व्यक्ति हैं इनके नाम से मतलब कोई कंप्लेंट वगैरह है, तो वो हमें डिटेल दीजिए कि क्या क्या मतलब क्या कंप्लेंट है वहाँ पे। तो एफआईआर की मतलब कंप्लेंट की पूरी डिटेल मांगेगा कोर्ट वहाँ पे, तो वो डिटेल वगैरह थाने को देनी पड़ेगी कोर्ट को। तो ये मतलब थाने का कर्तव्य रहता है कि अगर कोर्ट से अगर कोई ऐसा ऑर्डर आता है तो थाने के जो अधिकारी हैं उनको मतलब जो डिटेल वगैरह है उस व्यक्ति के नाम से जो भी कैश वगैरह है उन सब की मतलब डिटेल वगैरह अगर मांगते हैं कोर्ट, तो वो पूरी डिटेल भी देनी पड़ेगी। और जो भी मतलब केस है तो उस केस की जो एफआईआर वगैरह है वो अगर कोर्ट मांगते हैं तो उनको देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपकी एफआईआर की कॉपी वहाँ पे पहुँच जाएगी और फिर आप जाके और मतलब 2-3 दिन के अंदर और वो एफआईआर की कॉपी ले सकते हैं। तो इसमें मतलब 2-3 दिन का टाइम लगता है। तो इस तरीके से एफआईआर की कॉपी और कोर्ट के द्वारा मंगा ली जाएगी और इस तरीके से आपको मतलब एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आप कोर्ट के द्वारा आपकी अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है थाने में, तो इसी तरीके से मतलब एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं वकील के द्वारा कोर्ट के माध्यम से। तो ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, कोई बात पूछनी होती इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आगे मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।